हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एने फ्रैंक की डायरी को पढ़ेंगे, और चूंकि डायरी उनका है तो राइटर भी वो खुद हैं। ठीक है, एने फ्रैंक। कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं बिफोर यू रीड में, उसे पहले पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, एनेलीज मैरी एने फ्रैंक। पूरा क्या नाम है इनका? एनेलीज मैरी एने फ्रैंक। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 को। लगभग फरवरी या मार्च के टाइम पर 1945 में इनका डेथ हो गया। ये जर्मनी की रहने वाली थी, वहीं पैदा हुई थी, लेकिन ये ज्यूइश गर्ल थी। मतलब इनका रिलीजन क्या था? ज्यूस। ये ज्यूस थी। ठीक है, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली। अब क्या हुआ कि ये डायरी उन्होंने तब लिखा जब वो अपने फैमिली के साथ छुपती फिर रही थी, एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडेम। और उस टाइम पर उनके साथ उनके चार दोस्त भी थे। और ये लिखा कहाँ उन्होंने ये डायरी? एम्स्टरडेम में। अब कौन सी जगह ये, वो जानेंगे हम। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, तो ये उस समय की बात है जब नीदरलैंड के ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, और नीदरलैंड में ही जगह है एम्स्टरडैम। तो एम्स्टरडैम में से ये और इनके चार दोस्त, इनके फैमिली सब भाग रहे थे, और वहीं इन्होंने अपना डायरी वगैरह लिखा। तो ये नीदरलैंड पर कब्जा कब हुआ? ये कब्जा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। हर फैमिली हैड टू मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर। अब होता ऐसा है कि पहले ये लोग जर्मनी में रह रहे होते हैं, जर्मनी में ये पैदा भी हुई, लेकिन जब नाजीज यानी कि हिटलर की पार्टी जर्मनी में सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो इन्हें जर्मनी छोड़कर एम्स्टरडेम आना पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन जब नीदरलैंड पर नाजी पार्टी जो है, मतलब जो हिटलर है, वो कब्जा कर लेते हैं, तब वहां इनको एम्स्टरडेम में भी इनको परेशानी होने लगती है। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। अब जैसे जैसे ज्यूइश लोगों को मारना शुरू हुआ किया गया, द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स। अब इनके पापा जो थे ना, ओटो फ्रैंक, उनका एक ऑफिस हुआ करता था, तो वहीं पर इन्होंने क्या किया, वहीं पर इन्होंने एक रूम में छिप गए ये लोग। कब छिपे? जुलाई 1942 के टाइम पर। अब 2 साल हो गया छुपे छुपे। द ग्रुप वॉज बिटरेट, धोखे से इन लोगों को वहां से निकाल कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। तो स्टोरी कुछ ये है कि ये है एनी फ्रैंक। ठीक, इनका जन्म हुआ है 12 जून 1929 के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये पैदा कहाँ हुई थी? जर्मनी में ही। लेकिन जर्मनी में जब नाजी पार्टी आया पावर में, नाजी पार्टी आया, और जैसे जैसे उसने अपना जेनोसाइडल वॉर स्टार्ट किया, तो जैसे ही जर्मनी में नाजी पावर पार्टी में आया, ये लोग जर्मनी छोड़कर कहाँ चले? एम्स्टरडेम चले। एम्स्टरडेम कहाँ है? नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम हो गया 1942 के टाइम पर, जब जर्मनी ने नीदरलैंड को अपने कब्जे में ले लिया, तो इनको वहां भी भागना पड़ा, एम्स्टरडेम में भी भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि नाजी पार्टी जो थे वो ज्यूस लोग के दुश्मन थे और ज्यूस लोग को मारते थे। ठीक है, तो इनके पापा का नाम क्या है इनके? ओटो फ्रैंक। तो उनका एक बिल्डिंग था, उसी में ये लोग जाकर छिप गए। 2 साल हो गया छिपे छिपे, लेकिन लास्ट में इनके साथ धोखा किया गया और इन्हें धोखे से कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया। वहां पर जो एनी फ्रैंक है उनका डेथ हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, फेबररी या मार्च 1945 में। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वहां पर जो था ना, उनको टाइफस हो गया था। ठीक है, एनी डेट टाइफस इन बर्गेन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। और इनसे पहले इनकी सिस्टर का भी डेथ हुआ था, मार्गोट फ्रैंक। तो पहले इनकी सिस्टर का डेथ हो गया वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, फिर इनका डेथ हो गया। हर फादर, अब इनके जो पापा थे यही सिर्फ और सिर्फ बच पाए, इनकी बाकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। या जब वॉर खत्म हुआ तो इनके फादर वापस से एम्स्टरडेम गए। किस लिए भाई? क्योंकि एम्स्टरडेम में क्या था? इनका ऑफिस था जहां पर ये लोग छिपी हुई थी, है ना। अच्छा, एम्स्टरडेम गए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड।
किस लिए गए थे? अपनी बेटी का ये जो डायरी है ना, उसको खोजने के लिए गए थे। अब उनको लगा ना ओटो फ्रेंको कि भाई ये डायरी काफी ज्यादा यूनिक है, काफी खास है, तो एक काम करते हैं, इसको पब्लिश करवाते हैं। तो उन्होंने एनी फ्रेंक की उस डायरी को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवा दिया। ठीक, द डायरी वॉज गिवन एनी फ्रेंक को, ये डायरी उसके 13th बर्थडे पर मिला था। कौन से बर्थडे पर? 13th बर्थडे पर मिला था, ठीक है। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942। और एनी फ्रेंक ने 12 जून 1942 से ही अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना। 29 से 42, 13 साल हो गया ना, तो उसी टाइम से उन्होंने अपनी डायरी स्टार्ट की। और 1 अगस्त 1944 तक का उसमें बस रिकॉर्ड है। उसके बाद से कंसंट्रेशन कैंप इनको भेज दिया जाता है, पकड़ा गई थी। बताए ना 1942 में वो लोग अपना जो था बर्थडे मना रहे थे, लेकिन धोखा वोखा हो गया तो उन लोग को वहाँ पे भागना पड़ा। भागना पड़ा तो फादर के अपने ऑफिस के बिल्डिंग में छिपना पड़ा। तो फाइनली 2 साल गुजरने के बाद धोखे से इन लोग को पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। तो एम्स्टरडम में ही इनकी जो डायरी थी वो छूट गई थी, ठीक है। तो 1 अगस्त 1944 तक का लास्ट उसमें लिखा हुआ है डायरी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम, और आखिरकार क्या किया गया कि इसको डच लैंग्वेज से बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में चेंज किया गया। कौन से लैंग्वेज से? डच लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बनकर ये सामने आया। उसके बाद कई सारी फिल्म भी बनाई गई हैं, टेलीविजन पर, थिएटर्स में और ओपेराज में जहाँ पर गाना गाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी ये सारी चीजें की गई है इनके डायरी के अकॉर्डिंग। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। अब वो डायरी जो पढ़ने में जिसको जिन्होंने भी पढ़ा तो उनको लगा कि ये डायरी किसी ऐसे इंसान की है जो काफी मैच्योर है, ठीक है, जिसको काफी समझ है हर चीजों की। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ। तो डायरी में ऐसा क्या था, डायरी में नाजी जर्मनी के टाइम पर, मतलब नाजी ने जब नीदरलैंड पर हमला किया तब वहाँ के क्या हालात थे, हर रोज की क्या जिंदगी थी, यही उस डायरी में लिखा हुआ था। तो एनी फ्रैंक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड, बहुत काफी ज्यादा मशहूर हो गई इस होलोकॉस्ट विक्टिम के रिकॉर्ड से। मतलब ये जो जेनोसाइडल वॉर हो रहा था, ज्यूस लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, और ये जो चीजें उन्होंने अपने डायरी में लिखी हैं, तो उनको होलोकॉस्ट विक्टिम कहा गया है, कि क्योंकि ये भी ज्यूज है ना, इनको भी तो वही काम किया गया, पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, वहीं इनकी डेथ हो गई, जिसको हम होलोकॉस्ट कहते हैं, जीन्स मतलब कलर के अकॉर्डिंग लोगों को मारना, ठीक है। तो होलोकॉस्ट की एक सबसे मशहूर, सबसे जानी मानी विक्टिम जो है वो कौन बन गई? एने फ्रैंक बन गई, ठीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एने फ्रैंक का पूरा नाम एनलीज मैरी फ्रैंक, बर्थ डेट 12 जून 1929, डेथ कब हुआ, फरवरी या मार्च 1945 में। ये ज्यूस धर्म से बिलोंग करती हैं। उसके बाद ये लोग एम्स्टरडेम चले गए थे जब नाजी पावर में आया था। ये जर्मनी की थी रहने वाली, एम्स्टरडेम कहाँ है, नीदरलैंड्स में है, ठीक। इनके जो पूरे फैमिली है उनको एम्स्टरडेम में छिपना पड़ा इनके फादर के बिल्डिंग में, क्यों? क्योंकि वहां पर नाजी ने हमला कर दिया था, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या है, ओटो फ्रैंक है। अच्छा, कंसंट्रेशन कैंप में इनको धोखे से ले जाया गया 2 साल छिपने के बाद, जहां पर इनकी बहन मैरगोट फ्रैंक और इनका एनी फ्रैंक दोनों का डेथ हो गया। उसके बाद इनके फादर ही सिर्फ बचे थे, वॉर खत्म हुआ तो वो डायरी लेने आए अपनी बेटी का, उन्होंने डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से इनकी डायरी पब्लिश करवा दी, ठीक। इनको ये डायरी इनके 13th बर्थडे पर मिला था 12 जून 1942 में। इनके डायरी 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक की है लिखी गई। इसको बहुत सारे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे टेलीविजन थिएटर प्रोडक्शन पर चीज़ों को दिखाया गया है, ओपरा में भी दिखाया गया है, और काफ़ी अच्छे से हर रोज़ जब नाजी ने नीदरलैंड पर हमला किया तो हर रोज़ की ज़िंदगी क्या थी लोगों की, ये उस बुक में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से अब, ठीक। तो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एनी फ्रैंक की कहानी शुरू होती है। एनी फ्रैंक कहती है कि काफ़ी अजीब है डायरी में लिखना, खास करके मेरे लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस मैं ये सोचती हूँ ना कि नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स
अब ना तो भाई हमको अपने मतलब बकवास में, होता क्या है कि एक छोटा बच्चा क्या सोचता है कि अरे हम तो इतने छोटे हैं, हम कुछ भी लिखेंगे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो वही एने फ्रैंक कह रही है कि ना तो मैं अपने इस बेकार बातों को पढ़ने जाऊंगी कभी, और ना ही कोई और जो है वो मेरी इन बातों को पढ़ने जाएगा इस डायरी में, तो फिर आखिर मैं क्यों लिखूं। तो उतना हमको इंटरेस्ट नहीं था डायरी लिखने में। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। हाँ, लेकिन मुझे अपना दिल का गम भी तो हल्का करना है, इतनी सारी चीजें मेरे मन में है, आखिर कहीं ना कहीं तो मुझे उसको उतारना है ना। और इंसान से ज्यादा भरोसेमंद तो पेपर होता है, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है। मतलब क्या कि आप इंसान को कुछ बोलोगे तो वो किसी ना किसी को कुछ बता देगा, लेकिन अगर पेपर को कुछ आप लिखोगे बताओगे तो पेपर किसी को कुछ भी बोलने नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड्स बोर एंड लिस्टलेस। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो एनी फ्रैंक हैं ये बेचारी घर में बैठी हुई थी, काफी डिप्रेशन था, तो अपने ठुड्डी पे हाथ रख के चुपचाप से बैठी हुई थी। ठीक, अब होता क्या है कि काफी ज्यादा ये बोर हो रही थी, सोच रही थी बाहर जाएं नहीं जाएं। तो आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तो बैठे बैठे ये सोचती हैं कि हाँ सही बात है, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, क्या बाहर जाना, छोड़ो ना यहीं रहते हैं। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रेड दिस स्टफ्ड बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। अब ऐसा भी है ना कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो डायरी है वो कोई और पढ़े, मेरा नोटबुक कोई और पढ़े। हाँ, लेकिन अगर हमको एक सच्चा दोस्त मिल जाएगा ना तो हम उसको अपना डायरी अच्छे से पढ़ाएंगे एकदम, कि लो पढ़ो मेरा डायरी। लेकिन तब तक हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेरा डायरी पढ़े। ठीक है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। चलिए अब वो बात करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों ये जो डायरी है मैंने लिखना शुरू किया। ऐसे तो मेरा मन नहीं था ना, क्योंकि हमको लगता नहीं था कि कोई पढ़ेगा, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि हमने कैसे मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो साफ साफ बताऊं तो बात ऐसा है कि कोई भी एक 13 साल की लड़की का विश्वास नहीं करेगा कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। मतलब ये नहीं है कि उसके पास माँ बाप नहीं है, उसके पास बहन नहीं है, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, सब कुछ है उसके पास। उसके पास फैमिली भी है, आंटी भी है, अच्छा घर भी है, सब कुछ है, लेकिन लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। एनी फ्रैंक कहती है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। तो मुझे यही लगता है ना कि काश ऐसा होता कि कोई मेरा अच्छा दोस्त होता, उसके साथ अच्छा वक्त गुजरता, है ना। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। हाँ, हर कुछ तो नहीं बता सकती हूँ मैं, लेकिन हर दिन भर में मेरे साथ जो भी चीजें हुई ना, मैं उससे वो सब बताना चाहती हूँ अपने दोस्त को। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट। अब देखो, मेरे पास दोस्त तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जिससे मैं सारी बात तो नहीं कर पाती, लेकिन कुछ कुछ बात हो जाती है। लेकिन ऐसा है ना कि मुझे लगता नहीं है कि वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट है मेरी बातों को सुनने में, और यही प्रॉब्लम है कि कभी क्लोजनेस नहीं हो पाता है किसी दोस्त से। हो सकता है कि मेरी गलती है कि मैं कभी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती हूँ, अपनी बातें नहीं बताती हूँ। तो इन एनी केस, खैर किसी भी तरह से दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही है जो है कि ठीक है, मेरा किसी से बनता नहीं है, और बदकिस्मती से वो लोग भी इस चीज को बदलने नहीं चाहते, वो भी मुझे फोर्स नहीं करते कि हाँ तुम कहो, तुम हमसे ये बातें करो। ठीक है, तो यही वजह है कि मैंने डायरी अपना लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं था। अब टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब देखिए क्या होता है ना कि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह से डायरी लिखते हैं कि अगला कोई इसको पढ़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उस ख्याल में तो नहीं रह सकती हूँ ना कि कोई मेरा दोस्त आएगा वो डायरी पढ़ेगा, नहीं। जब तक कोई नहीं है तब तक मैं डायरी को ही अपना दोस्त समझूंगी, और अपनी सारी बातें जैसे मैं किसी अपने दोस्त से करती हूँ वैसे ही मैं डायरी में सारी बातें लिखूंगी। ठीक है, और मेरे डायरी का नाम मैं रखूंगी किटी।
अब कुछ क्वेश्चन है वो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। अब देखो क्या है, कोई भी इतना तो इंटरेस्टेड होगा नहीं कि मेरे किटी का हर एक बात पढ़ेगा, मतलब डायरी में लिखा हर एक बात पढ़ेगा, है ना। तो छोटा मोटा कुछ कुछ बात जो है मैं बहुत ब्रीफ तरीके से, बहुत छोटे तरीके से लिख दिया करूंगी। मेरे जो पापा है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पापा हैं, ठीक है। मेरी मम्मी से शादी नहीं किए थे जब तक वो मतलब 36 साल के नहीं हुए थे ना, और मम्मी 25 साल की नहीं हुई थी तब तक वो दोनों शादी नहीं किए थे। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि बेसिकली इनके पेरेंट्स का शादी हुआ है जिस टाइम इनके फादर 36 के थे और मदर 25 की थी, ठीक है। इनकी बहन जो है, इनकी बहन फ्रैंकफुर्ट में पैदा हुई थी जो कि जर्मनी में ही है 1926 में, और 1929 में ये पैदा हुई, है ना। 1929 में एने फ्रैंक पैदा हुई 12 जून को। जब तक 4 साल की थी ना तो एने फ्रैंक लोग फ्रैंकफुर्ट में ही रहती थी। मेरे इनके जो पापा हैं वो होलैंड चले गए थे 1933 के टाइम पर, ठीक है। इसी टाइम पर नाजी का जर्मनी में राइजिंग हुआ था, ठीक है। अब इनकी जो मम्मी है जिनका नाम है इरीथ होलैंडर फ्रैंक, ये भी उनके साथ फादर के साथ होलैंड चली गई सितंबर में ही। अब मार्गोट और एनी फ्रैंक ये दोनों एक्शन में थे, जो इनकी दादी माँ थी उनके साथ रहते थे एक्शन में। मार्गोट भी होलैंड चली ही गई दिसंबर में, अब रह गई अकेली मैं, लेकिन मैं भी फरवरी में होलैंड चली गई। तो सबसे पहले इनके फादर होलैंड गए, ठीक, उसके बाद इनकी मदर, फिर मार्गोट और फिर ये खुद। तो व्हेन आई वाज फ्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, तो क्या हुआ कि मार्गोट के, जैसे मार्गोट है ना, तो मार्गोट के बर्थडे पर ही हमको वहां पर बुलाया गया और हमको टेबल पर रख दिया गया। मान लो कि मार्गोट का बर्थडे गिफ्ट हम ही हैं, ठीक है। तो वहां पर अब क्या होता है कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब मैंने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई लिखाई नर्सरी स्कूल से, ठीक है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, 6 साल की उम्र तक मैंने मॉन्टेसरी में ही पढ़ाई की। उसके बाद से मैं 1 क्लास में गई फर्स्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद जब ये 6 क्लास में गई तो इनकी टीचर थी मिसेस क्यूप्रस, ठीक है, और मिसेस क्यूप्रस ही वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी, हेड मिस, ठीक है। तो जब एंड हुआ साल का तो हम दोनों रोने लगे, दोनों का अब उस टाइम पर अलग अलग होने का वक्त था, फेयरवेल था। खैर गर्मी के वक्त 1941 में मेरी जो दादी माँ थी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ। अब सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। अब चूंकि उस टाइम पर उनका ऑपरेशन था, बीमार थी दादी, तो इसलिए मेरा जो बर्थडे था वो ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुआ। 1942 के टाइम पर जनवरी में दादी माँ का डेथ हो गया। अब किसी को क्या ही बताऊं कि मैं कितना अपनी दादी माँ को पसंद करती थी। ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था ना 1942 का, इसलिए नहीं था कि हम खुशी मना रहे हैं, नहीं, बल्कि दादी माँ के लिए था, ठीक है। मतलब अब इतना ज्यादा सब लोग उदास हो गए हैं, जनवरी में दादी का डेथ हुआ है, जून में बर्थडे हो रहा है, तो सब लोग जो उदास हो गए ना उनको खुश करने के लिए था, ठीक है। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और बाकी चीजों के साथ ग्रैंड मा की भी कैंडल जलाया गया। जैसे मेरा बर्थडे हुआ ना तो उस टाइम पर ग्रैंड मा के लिए भी हमने कैंडल जलाया कि चलिए हम लोग सब मिलकर बर्थडे मनाएंगे, चलिए सब खुश हो जाइए। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, अभी तक तो सब चीजें ठीक थी। फोर मतलब यहाँ पर जो 4 लोग हैं, फादर, मदर, मार्गेट और एनी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब आता है 20 जून 1942, जिस दिन मुझे डायरी मिला और मैंने उस टाइम पर सोचा कि चलो अब हम डायरी अपना लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए डायरी में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए 20 जून को डायरी मिला, लिखना उन्होंने स्टार्ट किया, है ना। तो इधर उन्होंने डायरी में जैसे लिखा जाता है, सबसे पहले नाम, है ना, तो अपने डायरी का, हम लोग तो डियर डायरी लिखते हैं, उन्होंने अपने डायरी का नाम किटी रखा है तो डियरेस्ट किटी लिखा है उन्होंने। फिर इधर डेट और डे लिखा जाता है तो वैसे ही उन्होंने लिखा है। खैर स्टार्ट करते हैं उनकी डायरी पढ़ना। हमारा जो पूरा क्लास है ना एकदम अपने जूते से आवाज करता रहता है, ऐसा क्या नहीं, गलत है। ये एक फ्रेज है, क्विकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है डर से कांपना, ठीक है, डर से कांपना। ये नहीं सोच लीजिए कि जूते से आवाज करता है, नहीं, क्विकिंग इन इट्स बूट्स, बूट्स मतलब डर से कांपना। तो हमारा पूरा क्लास एकदम डर से कांप रहा है, ठीक है। देखिए इस क्विकिंग लिखा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमारा पूरा क्लास डर से कांप रहा है,
अब इसकी वजह क्या है? वजह है टीचर्स का मीटिंग, ठीक है। होना क्या है कि जो फोर्थ कमिंग आने वाला जो मीटिंग है, जिसमें जो टीचर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन अगले क्लास में जाएगा और कौन इसी में रह जाएगा। मतलब जो टीचर्स की मीटिंग होगी ना हम लोगों के साथ, उसमें वो बताएंगे कि कौन पास हुआ है और कौन फेल हो गया है। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। अब आधी क्लास तो लग गई शर्त लगाने में कि तुम जाओगे, नहीं हम जाएंगे, ठीक है। तो जीएन और मैं, हम दोनों हंस रहे थे अपने ऊपर कि क्या हो रहा है। मतलब हमारे पीछे दो लड़का जो था ना, हमारे पीछे दो लड़का था, एक था सीएन और एक था जैकस। अभी लोग आपस में पूरा का पूरा एकदम स्ट्रिक्ट देर, पूरा जितना भी हॉलीडे में जितना अपना बचाया था ना रुपया, सब ये लोग लगा दिए एकदम शर्त पे कि लगाओ रुपया, इतने रुपए का शर्त लगाओ, इतने रुपए का शर्त लगाओ, ठीक है। अब सुबह से रात हो गया, बस ये लोग यही बोल रहा था कि अरे तुम पास हो जाओगे। दूसरा बोलता ना 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 मैं कहाँ से, तुम पास हो जाओगे। फिर बोले ना हम कहाँ, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। और मेरे साथ जो जीएन थे ना, तो वो भी क्या थी, वो भी एकदम प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माय एंग्री आउट बर्स्ट, वो पूरा एकदम देख रही थी उन लोग को। अब मेरा भी गुस्सा फूटने लगा, अब मैं भी शांत नहीं रह सकती थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछो तो बहुत सारे यहाँ पर बेवकूफ लोग हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ड बैक, जिनको मतलब लगभग मानो ना कि पूरा एक क्वार्टर यानी कि 3/4 जो है क्लास को यहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आगे, ठीक है। पूरा जो क्वार्टर है यहीं रहना चाहिए, ठीक है। आई थिंक क्वार्टर होता है शायद 1/3, सॉरी 1/3 है ना। तो 25% लोग तो यहाँ पर बेवकूफ ही हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें नेक्स्ट क्लास में जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। उन लोग का बक बक सुनकर गुस्सा हो गई थी। लेकिन जो टीचर्स हैं, टीचर्स तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं, होते हैं टीचर ऐसे जाति, ऐसे क्या बोलते हैं क्रिएचर को, छोड़ो क्रेचर ही रखते हैं, क्रेचर का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं अभी याद आ रहा है। मतलब ऐसे, हाँ प्राणी, प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं ना टीचर्स लोग, जिसको कभी भी प्रिडिक्ट मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो क्या करने वाले हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बताना मुश्किल है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। खैर मैं उतनी नहीं घबराई हुई हूँ कि मेरी दोस्त लोग जो है, मैं जो है अगले क्लास में जाऊंगी, इसी में रह जाऊंगी, इसका हमको कोई टेंशन नहीं है, हम लोग कर लेंगे, हम लोग अगले क्लास में चल जाएंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है ना जो मेरा खराब है, वो है कि मैथ। खैर कोई बात नहीं, कर ही क्या सकते इंतजार करने के अलावा, है ना। तब तक हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि छोड़ो तुम मायूस नहीं हो, अफसोस नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग अच्छा नंबर लाएंगे, हम लोग अगले क्लास में चले जाएंगे। उसके बाद आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, सभी टीचर्स के पास मैं गई, उनसे बात किया मैंने। लगभग 9 टीचर थे जिसमें 7 मेन थे और 2 वुमेन थी। अब एक थी मिस्टर कीजी, मिस्टर कीजी ठीक है, जो कि मैथ्स पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? मैथ्स पढ़ाती थी। ओल्ड फौजी कहने का मतलब है पुराने जमाने की औरत, ठीक है, जो पुराने जमाने की तरह रहती हूँ, ठीक है। तो वो मैथ्स पढ़ाती थी और मुझसे काफ़ी ज़्यादा वो चिड़चिड़ी रहती थी, काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब होता नहीं है कि किसी बच्चे को देखकर आपका मन चिड़चिड़ा रहता है कि लाइक वो पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनका मैथ वाली टीचर का मन नहीं गुस्सा रहता था एने फ्रैंक से कि वो पढ़ती नहीं थी मैथ सही से, बल्कि इसलिए क्योंकि एने फ्रैंक बात बहुत करती थी, ठीक है। अक्सर यही होता है कि जो बच्चा ज़्यादा बात करता है टीचर उसको डांटता रहता है, ठीक है। तो यही उनके साथ हुआ था, कई दफ़ा उन्होंने मुझे वार्निंग भी किया, मैं नहीं सुधरी तो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगी, ठीक है। अब क्या था कि एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट, अब मुझे एक एस्से मिल गया, मुझे चैटर बॉक्स पर एक एस्से लिखना था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इसके बारे में लिखना क्या है, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, क्या लिखना है नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होने लगा। तो मैंने सोचा ना कि चलो लिखते हैं, तो आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने नोटबुक निकाला, उस पर लिख दिया हेडिंग चैटर बॉक्स, और उसको अपने बैग में टांग लिया और उसको अच्छे से रख लिया, ठीक है। अब उस शाम क्या हुआ, उस शाम क्या हुआ कि जब मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया, तब मेरी नज़र पड़ी उस एस्से पर कि अरे अभी तो इसको भी लिखना है। तो क्या हुआ कि मेरे हाथ में पेन था,
मैं पेन को चबाने लगी। अक्सर क्या होता है कि हम लोग कोई आइडिया सोचते हैं तो हम पेन को चबाने मतलब खाने लगते हैं, है ना, तो उसी तरह का काम ये कर रही थी। तो एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अब लोग क्या करते हैं कि अपना जो पेज है उसको भरने के लिए एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में बड़ा बड़ा जगह छोड़ देते हैं कि जिससे उनका जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए इससे, ठीक है। लेकिन द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब कुछ होना भी तो चाहिए, अगर ठीक है हम वैसे भी लिखेंगे तो कुछ दिमाग में आना भी तो चाहिए कि जिसके बेसिस पर हम लिख सकें कि हाँ भाई ये इससे मेरा ऐसे लिखाएगा, है ना। तो नहीं आ रहा था आइडिया, तो मैं सोचती रही सोचती रही, सोचते सोचते अचानक से मुझे एक आइडिया आया, ठीक है। तो आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। तो जो मिस्टर कीजिंग, सॉरी ऊपर में, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टर कीजिंग है ये जो मैथ के टीचर है ना, वो मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है, मेल है। तो ये जो मैथ के टीचर हैं जो बड़े पुराने जमाने के लगते थे, तो इन्होंने मुझे जितना भी होमवर्क दिया था मैंने लिख दिया, लगभग 3 पेज ऐसे लिखा, बहुत खुश हो गए वो, ठीक है। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। तो मैंने क्या किया उसमें लिखा कि देखो बात करना जो है ना वो तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका तो लच्छा नहीं है, वो बात करते ही करते हैं। हाँ लेकिन अपना पूरा कोशिश मैं करूंगी कि मैं अपनी इस आदत को कंट्रोल में रखूं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अभी अपना सारा दोष अपनी मम्मी पे लगा दी कि हम जो इतना बकबक करते हैं ना वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी भी बकबक करती है, तो मेरी मम्मी बकबक करती है तो हम भी बकबक कर रहे हैं, मतलब कि उनका जो लक्षण है ना वो मेरे में आ गया, तो अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, है ना। तो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ। अब इस चीज को जब मिस्टर कीजिंग ने पढ़ा कि मेरी मम्मी भी बात करती है इसलिए हम भी बात करते हैं, तो इस चीज को पढ़ कर खूब उनको हंसी आया, ठीक है। तो उसके बाद से व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड एसे। अब क्या हुआ कि मैं फिर से अगले क्लास में उनके बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक और एसे पकड़ा दिया। इस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, होता नहीं कि हम लोग किसी को बोलते दम थेथड़ हो तुम सुधारे नहीं सकते हो, तो वही चैटर बॉक्स मतलब होता है बकबक करने वाला, जो बकबक करती रहती है बैठ कर एने फ्रैंक। तो उन्होंने इस बार इससे दिया है कि जाओ लिख कर लेकर आओ कि ऐसा बकबक करने वाला इंसान जिस जो सुधार ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लीट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब अगले 2 लेसन तक मैं चुपचाप से बैठी रही, मैंने कुछ भी हल्ला नहीं किया। हाउएवर लेकिन जब तीसरा लेसन हुआ ना तो ही हैड फाइनली हैड इनफ, काफी हो चुका था तब तक। एने फ्रैंक, अब उन्होंने क्या बोला, एने फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब क्या हुआ कि दूसरा एसे भी हो गया, काम खत्म, 2 दिन तक एकदम शांत रहा माहौल। तीसरे दिन ही फिर बात कर रही थी तो इस बार गुस्सा फूट गया टीचर का, तो उसको फिर एक और एसे पकड़ा दिए, बोले कि जाओ इस बार एसे का टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक ये टॉपिक है इस बार का। अब पूरा क्लास एकदम हंसने लगा, हल्ला करने लगा, मुझे भी हंसी आ गई। दो अब मेरे अंदर, हालांकि उतना ज्यादा अब मेरे अंदर नहीं आइडिया रहा था कि मैं चैटर बॉक्सेस के बारे में और ज्यादा लिख सकूं, मतलब बात करने वालों के ऊपर और ज्यादा मैं लिख सकूं कि कोई इंसान क्यों बात करता है, ठीक है। खैर अब कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ और लिखना पड़ेगा अपने एस्से में। तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है सैनी, हु इज गुड एट पोएट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एस्से फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स। अब उसको क्या है कि उसको बहुत अच्छे से पोएट्री करना आता है, मतलब कविता लिखना आता है। तो मैंने क्या किया ना, अपने एस्से को एक कविता में बदल दिया, और इसमें मेरी हेल्प किसने की, सैनी ने, ठीक है। अब आई जम्प्ड फॉर जॉय, बहुत ज्यादा हमको खुशी हुआ जब मैंने वो काम किया, एक एस्से को कविता में जब बदल दिया, तो बहुत मैं खुश हो गई कि चलो इस बार मैंने कुछ अच्छा आइडिया लगाया। अब मिस्टर कीजिंग ने कोशिश किया कि मेरा मजाक उड़ाने का, है ना, इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। अब उन्होंने तो कोशिश किया था मेरा मजाक उड़ाने का ढेर सारा ये सब एस्से देकर, लेकिन उन्हीं का उल्टा मजाक उड़ गया। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपना पोयम खत्म किया, बहुत बढ़िया लग रहा था ये पोयम।
अब ये किसके बारे में था? इसमें एक मदर डक रहती है और एक फादर स्वैन रहता है और इनके तीन छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक? हु आर बिटन टू डेथ बाई फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। अब क्या हुआ ना कि जो फादर वाला बत्तख था ना, वो अपने तीनों बच्चा को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो तीनों बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, ठीक है? तो एक मम्मी डक है, एक पापा डक है, इनके तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला करते थे, क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए फादर डक ने उन्हें मार दिया। मार दिया मतलब क्या कि खूब पिटाई की अच्छे से, अधमरा होने तक, बिटन टू डेथ। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। अब मिस्टर कीजिंग को ये जोक अच्छे से समझ में आने लगा। उन्होंने ये पोयम पूरे क्लास को पढ़कर सुनाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपना भी कुछ कुछ बात उसमें रखा उन्होंने, और बाकी लोगों की भी बातें उन्होंने उसमें ऐड की उस पोयम में। खैर, तब से आई हैव बिन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से मुझे परमिशन मिल गया कि तुम्हें जितना बात करना है क्लास में करो और तुम्हें कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इसी के अपोजिट मिस्टर कीजिंग जो थे हमेशा, अब इन दिनों जो पहले स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब वो भी हमारे साथ मिलकर जोक्स करते हैं। मतलब क्या कि उन्होंने जो तीसरा एस्से लिखा ना, उसमें ये बात समझाना चाह रही थी एनी फ्रैंक कि अगर आप किसी को हर रोज टॉर्चर करेंगे ना, हर रोज टॉर्चर करेंगे, तो एक ना एक दिन वो मर जाएगा, है ना? क्योंकि वो बत्तख का जो बाल बच्चा था रेगुलर क्वैक क्वैक करता था, तो उसके फादर ने उसको इतना मारा कि वो मर गया। मतलब कि बच्चे भी बातचीत कर रहे हैं और आप डेली डेली होमवर्क दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक ना एक दिन बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाएगा, ठीक है? तो उसकी भी हाल उसी के जैसा हो जाएगा। तो इसी वजह से इस चीज को समझा मिस्टर कीजिंग ने उनकी बात को एने फ्रैंक के, और फाइनली मिस्टर कीजिंग भी बच्चों के साथ हंसना बोलना शुरू कर दिए और बच्चों को अब वो डांटते नहीं थे। अब डायरी, इनके डायरी का एंड होता है योर्स एनी करके, ठीक है? ये जो हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन, मतलब कुछ पार्ट, ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का है। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी डायरी है? एने फ्रैंक की, ठीक है? चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।